डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने श्रद्धांजलि अर्पित कर रैली को संबोधित किया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। दरअसल लखनऊ में डॉक्टर बीआर अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आयोजित एक रैली के दौरान मायावती ने अखिलेश यादव को बबुआ कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश जिस तरह की बातें करते हैं ऐसी बातें एक बबुआ ही कर सकता है। इसके साथ ही मायावती ने हाथी को लेकर अखिलेश यादव को करारा जवाब देते हुए कहा कि उन्हें हाथी सपनों में भी परेशान करते होंगे। हाथी की बात करके अखिलेश यादव बीएसपी का मुफ्त में प्रचार कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान मायावती ने सैफई महोत्सव पर भी सवाल उठाए और कहा कि सैफई महोत्सव में सपा सरकार गरीबों का पैसा बेदर्दी से खर्च करती है जिससे कोई आय नहीं होती, लेकिन अंबेडकर पार्कों में हजारों की तादाद में लोग आते हैं, टिकट लेते हैं जो सीधा सरकार के खाते में जाता है। बहरहाल मायावती ने सपा के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। मायावती ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे संविधान का प्रारूप धार्मिक समानता के आधार पर बनाया था, लेकिन बीजेपी और आरएसएस यह कतई स्वीकार नहीं करती है और हिंदुत्व को थोपना चाहती है। इसके साथ ही कांग्रेस पर तीखे प्रहार करते हुए मायावती ने कहा कि आज़ादी के बाद काफ़ी समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में कभी भी अधिकारों का पूरा लाभ नहीं मिल सका। मायावती अखिलेश को बबुआ कहती है, तो वहीं अखिलेश मायावती को बुआ बुलाते हैं। बबुआ और बुआ की इस राजनीतिक लड़ाई में कौन जीतता है और किसके हाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता आती है, यह तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।